नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा YouTube पर एक चैनल बायोलॉजी गुरु के नाम से चलता है, जो कि बहुत दिनों से बंद था, तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना इस चैनल को आगे की ओर संचालित किया जाए और बायोलॉजी को आपको उसके सरल तरीके के माध्यम से आपके पास पहुंचाई जाए। बायोलॉजी को बताने वाले YouTube पर बहुत लोग हैं, उनमें उत्कृष्टता भी है, वे बताते भी हैं, लेकिन हो सकता है हर व्यक्ति उस बात को एक्सेप्ट न कर पाए। तो हमारी बायोलॉजी अधिकतर हिंदी भाषा में शुद्ध रूप से बोली जाती है, उसके बारे में आपको समझाई जाती है। तो सबसे पहले हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। देख रहे हैं, ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये इधर अगर इसका विश्लेषण करें तो दो शब्दों से बना हुआ है। जीवधन विज्ञान अर्थात जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाए, उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द बायो प्लस लोगोस, दो शब्द से मिलकर के बना है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसका भी मतलब वही है, जीवों का अध्ययन। अब प्रश्न यहां यह है कि जब जीव आ गए तो हम सबसे पहले जीवधारी की चर्चा करें। तो जीवधारी क्या है, जीव को हम कैसे पहचाने, जीव क्या है। जीव इस धरती का वह विलक्षण पदार्थ है जो जीवन रूपी ऊर्जा के माध्यम से निरंतर वृद्धि एवं विकास करता है। हमने ये समझा कि जीव क्या है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, एक पदार्थ एक ऊर्जा। पदार्थ वह है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे पूर्णतया हम आभास और उसका अवलोकन कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत ऊर्जा, ऊर्जा वह शक्ति है जिसे न तो हम छू सकते हैं न तो हम देख सकते हैं, हम केवल उसका अनुभव कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, प्रकाश को केवल हम अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार से जीवन एक प्रकार की ऊर्जा है। जब तक किसी पदार्थ के अंदर जीवन रहता है तब तक वह पदार्थ सचेत रहता है, वह कार्यशील रहता है,
निरंतर वृद्धि करता है, निरंतर विकास करता है। और जिस दिन जीवन रूपी वह ऊर्जा किसी पदार्थ के शरीर से निकल जाती है तो वह पदार्थ निश्चेष्ट हो जाता है, अर्थात मृत अवस्था को प्राप्त कर जाता है। अब जब हमने जीव के बारे में जान लिया और जीवन के बारे में समझ लिया तो हमको ये जानना है, जैसे जैसे मैंने पहले बताया कि इसे व्यवहारिक भाषा में हमको समझना चाहिए। जैसे यह घर है, एक घर में कई कमरे होते हैं, बाहरी दीवारें होती हैं, भीतर का स्पेस होता है। उसी प्रकार से किसी जीव के का शरीर बनता है, उस शरीर का बाहरी वातावरण से अलग करने के लिए उसकी एक बाहर की दीवार होती है जो कि अंदर के परिवेश को समेट करके चलती है। जैसा कि हम जानते हैं जीव और निर्जीव दोनों में अंतर केवल कोशिका का है, जिसमें शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है वही जीव है, और जिसमें किसी भी प्रकार की कोशिका अर्थात सेल नहीं पाई जाती वह निर्जीव। तो अर्थात किसी भी जीवधारी का शरीर कोशिका से मिल करके बना। अब जहां कोशिका की बात आ गई, सबसे पहले जब जीवों का अध्ययन करने का बात प्रारंभ हुआ तो जो सरलीकरण व्हिटेकर ने किया, व्हिटेकर ने कोशिका की संरचना के आधार पर समस्त इस ब्रह्मांड के जीवधारियों को पांच भागों में विभाजित किया, पांच जगतों में विभाजित किया। अब पांच जगतों में विभाजित किया, ये जगत है पहला मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा कवक जगत, चौथा वनस्पति जगत, और पांचवा जल जगत। अब जैसा कि मैंने कोशिका के आधार पर बताया, व्हिटेकर ने पांच भागों में बांटा, अब कैसे कोशिका के आधार पर बताया उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे जो दो हैं ये दोनों जगत एक कोशिकी प्राणियों के लिए, जबकि ये जो तीन है ये बहुकोशिकी प्राणियों के लिए। अर्थात मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में उन प्राणियों को रखा गया है जिनका संपूर्ण शारीरिक संरचना एक कोशिका से मिलकर के बनी होती है, जबकि कवक जगत जिसे फंजाई जगत कहते हैं, वनस्पति जगत जिसे प्लांटी कहते हैं, और जंतु जगत जिसे एनिमेलिया कहते हैं, इन तीनों का जो इन तीनों में जो जीव पाए जाते हैं उनके शरीर की संरचना एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। जब अब यहाँ पे प्रश्न एक चीज और आ गया कि अगर ये एक कोशिकी है तो फिर इनको दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, और जब ये बहुकोशिकी है तो इन्हें भी अलग अलग क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब हम बात करेंगे मोनेरा की। मोनेरा के जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना है, एक कोशिका से मिलकर के बना है, ये ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि
गीता के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा पार्ट होता है कोशिका द्रव्य, और तीसरा पार्ट होता है केंद्र। तीन पार्ट होते हैं, एक कोशिका के तीन पार्ट होते हैं। अब मोनेरा जगत में उन जीवों का कावट को रखा गया है जिनमें कोशिकी पदार्थ, कोशिकी पदार्थ क्या है, डीएनए, कोशिकी पदार्थ जो डीएनए होता है ये किसी झिल्ली से नहीं ढका होता, अर्थात कोशिका द्रव्य में सीधे से सीधे उपस्थित होता, अर्थात जिन जीवधारियों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और उनका शरीर एक कोशिकी होता है, ऐसे जीवधारियों को मोनेरा जगत में रखा गया है। इसके अंतर्गत आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और वास्तविक बैक्टीरिया आते हैं। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा आर्किबैक्टीरिया के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब इस धरती का कोई वजूद नहीं था, इस ब्रह्मांड में धरती एक लावा के समान थी और उसमें उपस्थित गैसी आवरण के कारण ऐसा वातावरण बना कि जब पानी बरसना चालू हुआ तो पानी बरसने के कारण इतना अधिक व्यवस्था बन गई कि वहाँ पे जीवन के रहने का वातावरण नहीं था, अर्थात वहाँ पे हाइड्रोजनिक व्यवस्था हो गई, हाइड्रोजन तत्वों की मात्रा अधिक हो गई, वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो गई, वहाँ पे दलदली यानी मेथेनिक व्यवस्था अधिक हो गई। जहाँ पे मेथेन गैस की अधिकता हो जाती है, जहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है, जहाँ पे तापमान की अधिकता हो जाती है, जहाँ पे हाइड्रोजनिक पदार्थों की अधिकता हो जाती है, वहाँ पे जीवों का जीवित रहना संभव नहीं होता। अर्थात 80 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर सांद्र एसिड की उपस्थिति में, हाइड्रोजनिक पदार्थों की उपस्थिति में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। ऐसी परिस्थिति में जो जीव सबसे पहले उत्पन्न हुआ उसे आर्किबैक्टीरिया कहते हैं। आर्किबैक्टीरिया का शरीर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर था, अर्थात अकेंद्रकीय, जिसका केंद्रकीय पदार्थ किसी झिल्ली के आवरण से ढका नहीं था, इसलिए इसे मोनेरा जगत में स्थान मिला। फिर इसमें विकास हुआ, हरित लवक का विकास हो गया, इसीलिए इनको साइनोबैक्टीरिया को नीली हरी शैवाल कहते हैं। उसमें क्लोरोफिल जैसा पदार्थ बना और जाकर के फिर वे स्वकोशी बन गए, और वो भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे। बाद में उससे भी और अधिक बैक्टीरिया में विकास हुआ, जो वास्तविक बैक्टीरिया हैं उनकी उत्पत्ति हुई। तो मोनेरा जगत में उन जीवों को रखा गया जो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी होती। अब दूसरा नंबर आता है प्रोटिस्टा का। अब प्रोटिस्टा जगत में भी जो जीव रखे गए हैं वे भी एक कोशिकी, लेकिन उनका जो केंद्रक है, केंद्रकी पदार्थ एक झिल्ली के द्वारा ढका था, अर्थात इनमें भी कोशिका झिल्ली होती है, इनमें भी केंद्रक द्रव्य होता है, इनमें भी केंद्रकी पदार्थ होता है डीएनए, इनमें भी डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। यहाँ केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, अर्थात केंद्रकी पदार्थ
कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली से अलग रहता है, अर्थात किसी कोशिका के अंदर एक अलग कोशिका जैसी संरचना जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं वह उपस्थित रहता है, इसलिए इसको हम प्रोटिस्टा जगत कहते हैं। ऐसे जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। मोनेरा और प्रोटिस्टा में केवल अंतर इतने है, इसमें आभासी केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियाड कहते हैं, और इसमें वास्तविक केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। जिन जीवधारियों में आभासी केंद्रक पाया जाता है जैसे बैक्टीरिया, उसे मोनेरा जगत में रखा गया है। जिन जीवों में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। अब प्रोटिस्टा जगत में भी तीन प्रकार के जीवधारी रखे गए हैं। एक पादप सम है जैसे युगलीना है, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक कवक सम है जैसे स्लाइम मोल्ड है, वह कवक के जैसे रहता है। और तीसरा है प्रोटिस्टा का जिसे जंतु सम कहते हैं, अमीबा। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना हुआ कि एक कोशिकी को दो भागों में इसलिए बांटा गया कि मोनेरा जगत में अकेंद्रकीय एक कोशिकी जीव आते हैं जैसे बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा जगत में सुकेंद्रकीय एक कोशिकी जीव आते हैं जैसे अमीबा। हमारी बात आपको कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात आता है, इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको हमें